यू कैसी आ रही है, दिस इज माय इंस्टाग्राम, दिस इज व्हाट इट इज, इसमें काटते जाइएगा जो आप लोगों को. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस एंड सेकंड आई थिंक माइंड में था, बट आई गेस जब मैं इंडिया से वापस आई उसके बाद जब मैंने बादाम खाना शुरू किया, आई थिंक मेरी मॉम भी कहती है कि बादाम खाया करो उससे मेमोरी यू नो ठीक आती है, तो उसके बाद मैंने इवेंचुअली 5-5 पेजेस की स्क्रिप्ट्स याद कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे ऑनेस्टली एक मुझे उनका है एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हिना फिल्म की थी ज़ेब अख्तियार, यस आई थिंक मुझे वो बहुत, मैंने उनको बगैर मेकअप देखा हुआ है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी, मैं हूं एसएम शाकिर. गुज़िश्ता 2-3 बरसों में एक नया नाम जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उसकी गूंज है, जगमगा रहा है, और उस आर्टिस्ट से आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं और जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने काम किया है, और उनका नाम है सईदा इम्तियाज़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए. ठीक ठाक है. सईदा, आपकी फिल्म जो मैंने देखी वो वजूद फिल्म आपकी देखी, दानिश तैमूर के साथ जावेद शेख साहब की फिल्म थी, बहुत आला फिल्म थी, बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी. लेकिन एक तो मुझे ये बताएं इब्तदा में ही कि वो फिल्म उस तरह ना चल सकी जिस तरह से हम सोच रहे थे, और इतनी खूबसूरत फिल्म थी. दूसरा, थोड़ा सा अपने इब्तदाई करियर के बारे में बताएं. अच्छा, पहली बात यह है कि फिल्म बहुत खूबसूरती से बनी थी, जावेद सर ने यू नो ऑब्वियसली बहुत मेहनत की थी हम लोगों ने. मेन प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई कि हम लोगों को स्क्रीन्स नहीं दी गई थी इस फिल्म के लिए, और मुझे अभी तक याद है कि फिल्म ईद से 3 दिन पहले इन लोगों का कहीं कुछ शायद क्लैश हुआ था, जहाँ प्लान मतलब क्लैश हुआ था जहाँ ये फिल्म इवेंचुअली रिलीज़ करने से ईद पर यू नो इस लेवल पर कहाँ कहीं इन लोगों का क्लैश हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ. एनी हाउ जो हो गया, आई वॉज ऑब्वियसली वेरी डिसअपॉइंटेड, और मैंने बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूटर से जब मुलाकात हुई भी थी तो उनको मैंने ये जाहिर ज़रूर किया था, बट उनका जवाब ये था कि उनकी एक फिल्म ऑलरेडी आ रही थी और ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हमारी फिल्म कर रहे थे. 7 दिन मोहब्बत थे और वजूद एक ही डिस्ट्रीब्यूटर. हाँ, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर था, मगर फ़र्क सिर्फ ये था वो उनकी फिल्म थी और ये एक तरीके से इनकी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. जी जी. तो उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि हमारी फिल्म आ रही है तो आप कुछ डिले के बाद, मगर आई थिंक जावेद सर ने यही प्लान किया हुआ था कि ईद पर रिलीज़ करेंगे, तो आई गेस दिस वाज अ सीन. सो या, तो आप किस तरह से फैशन इंडस्ट्री में इन हुई, और आपका ये शौक था या जुनून है, क्या थोड़ा सा बताएं? बचपन का जुनून है, मतलब बचपन में मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मुझे पाकिस्तान आना था, मुझे फिल्म्स में काम करना था, मुझे चैरिटी वर्क करना था, और जो जो मेरी ड्रीम्स थी अल्लाह का शुक्र मैं वो फॉलो कर रही हूँ. मैंने अपना पहला जो एक तरीके से इस इंडस्ट्री में मीडिया में कदम जो रखा था, दैट वाज थ्रू द फिल्म दैट्स कॉल्ड कप्तान. कप्तान से मेरी इनिशियल स्टार्ट हुई थी, उसमें मैं एक इमरान खान की बायोपिक है, उसमें जमायमा खान का रोल के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया था, मैंने 6 months की रिहर्सल्स की थी. उसके बाद फिर इवेंचुअली मैं इंडिया गई, आई स्टेड देयर फॉर अबाउट 4 years, 4 साल मैं वहाँ रही, वहाँ ख़ुद को ग्रूम किया, मैंने एक शॉर्ट फिल्म की रेडरम के नाम से, वो करने के बाद फिर मैं वापस आई, और फिर उसके बाद मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट किया, काम शुरू किया, फिर वहाँ से मुझे फिर अपनी दूसरी फिल्म मिली वजूद. फरिया अल्ताफ जो कैटवॉक मैनेजमेंट की CEO हैं, उनके साथ आपने बड़ा काम किया है, बहुत सारे शोज़ किए हैं, कैसा लगता है आपको उनके साथ काम करना, और फैशन इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में क्या फ़र्क लगता है? अच्छा, फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ ये है कि जो मैं रैम्स नहीं करती, मुझे लगता है कि मैं रैम्स कर भी नहीं पाऊँगी. आई मीन मैं रैम्स में, मतलब हैट्स ऑफ टू दोज गर्ल्स कि वो रैम्स के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी हील्स के साथ चल रही होती हैं, और एक डर सा नहीं होता कि आप रैम्स पर चल रही हैं और कहीं भी स्लिप ना हो जाए. मैंने सिर्फ शो स्टॉप किए हुए हैं, उस हद तक मैं सही हूँ. रैम्स मुझसे शायद, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ, मगर स्टिल शूट्स होते हैं मेरे, मतलब मैं स्टिल शूट्स करती हूँ. फरीर जी के साथ मेरा इंटरेक्शन ऑब्वियसली वजूद में रहा,
गिला सिर्फ उनसे ये है, जो मैं ये ऑन स्क्रीन बोलना चाहूँगी, वो कभी भी अवार्ड्स पे नहीं बुलाती, जबकि इवन दो हम लोगों का एक फैमिली की तरह हम लोग काम कर रहे थे। मुझे वैसे इंटरेस्ट भी नहीं है अवार्ड्स पर जाने का, मुझे सिर्फ एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, मुझे लोग पसंद करें, मेरे काम से मुझे लोग जाने, मैं अच्छा काम करूँ, उनको एंटरटेन करूँ, मेरे लिए वही सबसे अच्छी चीज़ है। बट इंडस्ट्री में ये जब चीज़ें होती हैं ना, तो उससे थोड़ा सा दिल दुखता है, बिकॉज़ आई एम श्योर मैं एक अकेली लड़की नहीं हूँ, मेरे अलावा और भी ऐसी बहुत आर्टिस्ट होंगी, यू नो। एंड प्लस एक और भी ये चीज़ कहना चाहूँगी, आई एम सो सॉरी ऑन एयर मैं चीज़ कह रही हूँ, हमारे जो सीनियर एक्टर्स को ना यहाँ उस तरीके से इज्जत नहीं दी जाती, मैं उस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मैंने वजूद में काम किया नदीम साहब के साथ, शाहिद साहब के साथ, मैंने जब उनको देखा आई वाज स्टारस्टक, मतलब जावेद सर के साथ, मतलब मैं लिटरली उनको देखकर आई वाज सो हैप्पी, और मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी कि मैंने उन लोगों के साथ, मतलब मैं काम कर रही हूँ उन लोगों के साथ। एंड मैं जब यूजुअली अवार्ड्स शो के ऊपर ये देखती हूँ कि सीनियर आर्टिस्टों को किसी ने, एक दो लोगों ने ये चीज़ बोली भी कि नए न्यू कमर्स को, अगर मैं वहाँ होती, नए न्यू कमर्स को उस तरीके से आगे बिठाया जाता है, सीनियर आर्टिस्टों को पूछा ही नहीं जाता, बाहर के मुल्कों में सीनियर आर्टिस्टों को पूजा जाता है, यू नो व्हाट आई मीन, यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो ये जो ट्रेंड है ये ख़त्म होना चाहिए। सेकेंडली, अगर कल को अवार्ड शो में, आई थिंक उन लोगों को थोड़ा सा ये ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, फरिया जी को मैं ये ज़रूर कहूँगी जो अवार्ड्स करवाते हैं, आई थिंक दिस शुड चेंज। जावेद शेख साहब जब फिल्म स्टार्ट कर रहे थे तो पाकिस्तान में दीगर बहुत सारी हीरोइंस थीं, बहुत सारी आर्टिस्ट थीं, लेकिन उन्होंने आपसे किस तरह राबता किया और किस तरह से आप भी सिलेक्ट हो गई उस फिल्म? अच्छा, मुझसे पहले चार और लड़कियों को, चार और एक्ट्रेसेस को वो अप्रोच कर रहे थे, एंड दे वेरी प्रिटी, नाम नहीं लूँगी, वो अच्छा अच्छा काम कर रही हैं। फॉर सम रीज़न आई थिंक एक ने कहीं ये बोल दिया कि मेरे मैनेजर से बात कर लें, भाई आप जावेद शेख से, यू नो ही इज़ अ सीनियर एक्टर, रिस्पेक्ट करें। आप मुझे कोई इस तरीके से कभी भी कॉल करता, मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि भाई आप मेरे मैनेजर से बात करें, वो गलत बात है। अच्छा, एक ये चीज़ हुई, फिर एक दो और लोगों से करते करते उन्होंने कहीं मेरी न्यूज़पेपर में दमास का कोई पिक्चर कहीं देखी शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या कप्तान की, क्योंकि मैंने दमास के आतिफ असलम के साथ शूट किया हुआ था, वो कहीं लगी हुई थी, या शायद कप्तान की कोई शायद न्यूज़पेपर में लगी हुई थी, वहाँ से उन्होंने बोला कि ये कौन है। तो वहाँ से फिर इनिशियली तनवीर भाई हैं जिनके साथ फिर मैंने, यू नो, एडी हैं, हाँ, उन्होंने फिर मुझे कॉल करवाई, उन्होंने मेरा नंबर निकलवाया, तब तक मैं इंडिया से वापस आ चुकी थी, मैं यहाँ काम कर रही थी, और फिर मुझे कॉल जब आई तो उन्होंने ये बोला कि जावेद सर की फ़िल्म है, उसकी ऑडिशन के लिए बुलाना है। तो मुझे एक सेकेंड के लिए तो लगा ये मेरे साथ मजाक हो रहा है, मुझे क्यों बुलाएंगे, मेरी तो अभी तक एक फ़िल्म भी रिलीज़ नहीं हुई, कप्तान आने वाली थी, वो पॉलिटिकल की वजह से एक तरीके से, हाँ, डिले हो गई। तो वहाँ से फिर उन्होंने बोला, उन्होंने फिर मेरी जावेद सर से बात करवाई, आवाज़ से पता चला ये तो जावेद सर ही हैं। दूसरे दिन मैंने, एक दो दिन में मैंने फ़्लाइट, उन्होंने कहा उन्होंने चीज़ें फ़ाइनल करनी है, मैंने फ़्लाइट बुक करवाई, गई मीटिंग की, ऑडिशन दिया, मैं बहुत नर्वस थी, ऑडिशन दिया, उन्होंने फिर मुझे फ़ाइनलाइज़ किया। और हैरानी की बात यह है कि जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने कहा मेरे जो भी काम करने जाती हूँ वो कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। तो मैंने साइन जब किया, और उस दिन मेरा सेम दिन फ़्लाइट थी, तो साइन करने के बाद एक साइन कहीं रह गया था, तो उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की, कहते आपका एक पेज के ऊपर साइन नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं वापस आती हूँ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सारा साइन करके जाऊँगी, ऐसे नहीं, क्योंकि कोई ना कोई वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपने बॉलीवुड भी गई हैं, आपने देखा है वहाँ भी काम, पाकिस्तान में भी काम, तो हमें भी पता है, नाज़रीन को भी पता है कि फ़र्क है, लेकिन आपने क्या अंदाज़ा लगाया है कि वो लोग क्यों आगे हैं और क्या वजह है कि वो लोग मेहनत इतनी करते हैं? इसमें आई पर्सनली थिंक बहुत ऐसी चीज़ें हैं। पहली बात तो यहाँ उस तरीके के बजट्स नहीं हैं। आई थिंक यहाँ भी बहुत अच्छी फिल्म्स बन सकती हैं, अगर वहाँ तो हाईली बजटेड फिल्म्स होती हैं, मतलब हाईली, अगर यहाँ भी आई एम श्योर जितना आप कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो ये वो वाला एक ये हिसाब है। सलीम दाद साहब हमारे पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त DOP हैं, हमारे दोस्त भी हैं, और अब वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं कुल्फ़ी।
उल्फी फिल्म के बारे में बताएं, उसमें एक वो नाम बड़ा मज़े का है, मैंने उनसे भी पूछा ये तो उल्फी फिल्म में आपको कैसा लगा काम करके, आपका क्या एक्सपीरियंस है? लेट्स सी आगे किस्मत कहाँ कहाँ, यू नो मेरी सारी फिल्म्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं, यू नो इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बट कुल्फी में मैंने, मुझे लगता है अपनी सारी फिल्म्स से सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें की। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस है, मैं एक हफ्ते वॉशरूम तक सही से नहीं जा सकती थी, मैं नीचे बैठ कर जा रही होती थी, मेरी बॉडी में इतने क्रैम्प्स पड़ गए हुए थे कि मैं एक हफ्ता हर रोज़ बॉडी मसाज करवा रही होती थी, बट मैंने किसी तरीके से कर लिया। एक बहुत डिफरेंट फिल्म है, नाम कुछ और है मगर देखने को कुछ और मिलेगा, टीजर्स जब आएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि शायद रोमांटिक कॉमेडी ये फिल्म है। इसमें मोहम्मद राना साहब हैं, शामिल खान जो कि नेगेटिव रोल कर रहे हैं, फिर शहरोज है, तो आप क्या समझती हैं कि ये इन तमाम आर्टिस्टों ने ऐसा काम किया है कि लोग आएंगे फिल्म देखने? बिल्कुल, पहली चीज़ तो दे हैव बीन वेरी बहुत फोकस्ड हैं, शामिल हो गए, मोमी हो गए, शहरोज हो गए, हर किसी ने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे खूबी से यू नो निभाने की कोशिश की है, दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड भाई रही बात फिर प्रमोशंस की और स्क्रीन्स की, वो फिर ऑब्वियसली सलीम सर के हाथ में है और उन लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में है, बिकॉज़ आई जस्ट मेक श्योर कि और भी ऐसी फिल्म्स के साथ ये चीज़ यहाँ हो चुका है। नबील कुरैशी की एक फिल्म थी, उनको भी इस तरीके से स्क्रीन्स नहीं मिली जब मेरी बात हुई उनके, एंड दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक ये एक जेलसी फैक्टर में, जहां आप दूसरी फिल्म्स को स्क्रीन ज़्यादा दे रहे हैं, एक को कम दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी फिल्म्स है, जितनी देर तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे, उतनी देर तक रिवाइवल नहीं होगा। म्यूज़िक के बारे में बताएं कि हमारे यहाँ गुज़िश्ता 10 सालों में जो फिल्में बन रही हैं उनमें म्यूज़िक का बड़ा फ़क्दान होता था। हाँ जी, जावेद शेख साहब की जो फिल्म थी वजूद, उसका म्यूज़िक बहुत खूबसूरत था और उसमें आपको बेहद खूबसूरत एक्सपोज किया था। इस फिल्म के बारे में बताएं, कुल्फी का म्यूज़िक कैसा है, इसमें आपके कितने गाने होंगे? इसमें मेरे हैं ओवरऑल 3 गाने होंगे, मगर मेन दो हैं। एक पार्टी सॉन्ग है, एक राहत जी ने गाया हुआ है, वो अभी तक शूट नहीं हुआ, वो शूट होना है, एंड एक सैड सॉन्ग है जो इवेंचुअली सब आर्टिस्टों के ऊपर है। सलीम दाद साहब एज ए DOP तो उनका बड़ा नाम है पूरे पाकिस्तान में, एज ए डायरेक्टर आपको वो कैसे लगे सलीम दाद साहब? 100 से भी, वो कहते हैं ना कि 100 out of 100 होता है, इट्स मोर देन 100%, बिकॉज उनके साथ मैं मतलब स्क्रीन के ऊपर जाकर देखती भी नहीं थी, बिकॉज मुझे पता होता था कि इन्होंने ओके कर दिया तो समझे ओके है, नहीं बोले ना तो वो आकर मुझे बोलते हैं कि सईदा ये चीज़ नहीं देखो, इसको इस तरीके से करो, फिर वो चीज़ मैं तब जाकर स्क्रीन पर देखती थी कि इनको प्रॉब्लम लग रही है ना तो प्रॉब्लम होगी, जब स्क्रीन पर देखती थी तो है, तो उस चीज़ को फिर मैं कवर अप करने की कोशिश करती थी। बट द थिंग इज़ ही इज़ बीन वेरी काइंड, मतलब मुझे एक चीज़ अच्छी बात यह है कि ये बहुत प्यार से, जावेद सर में भी ये चीज़ बहुत है, वैसे भी एक आर्टिस्ट को प्यार और मोहब्बत से बोलेंगे ना कि ये चीज़ इस तरीके से करें, उस तरीके से करें, आप ईज़िली कर लोगे। अगर पुराने टाइम में ये चीज़ मैंने सुना है होता था कि एक्ट्रेसेस को डांटा जाता था, मुझे नहीं पता वो किस तरीके से ऐसे काम कर लेती थी। आजकल के ज़माने में प्यार मोहब्बत से इस तरीके से करेंगे ना तो आप इंसान से ज़्यादा डबल काम अच्छा करवाएंगे। तो बहुत प्यार मोहब्बत से सलीम सर ने तरीके से हमें बताया कि ये चीज़ें अगर कोई फ्लॉज दिख रही थी, आई थिंक इट वॉज रियली वंडरफुल वर्किंग विद हिम, अल्हम्दुलिल्लाह। वजूद में भी उनके साथ था एज ए DOP, एज ए डायरेक्टर, आई थिंक ये बहुत बहुत आगे फॉर श्योर जाएंगे, एंड आई एम श्योर दैट लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी कुल्फी में, एक डेफिनेटली एक नया उभरता हुआ डायरेक्टर, यू नो मुझे लगता है वो कैमरे को भूल जाएंगे, वो बस आगे डायरेक्शन में ही आगे इंशाल्लाह करते जाएंगे। टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए भी आपने काम किया, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं कि टीवी पे आपने किन किन प्लेज में काम किया। मैंने एक मेजर काम किया था इंडिया जाने से पहले दानिश तैमूर के साथ और नीलम मुनीर के साथ। उस वक्त मुझे स्क्रिप्ट्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेमोराइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेरी उर्दू बहुत बुरी थी। बट आई गेस जब मैं इंडिया से वापस आई,
उसके बाद जब मैंने बादाम खाना शुरू किया, आई थिंक मेरी मॉम भी कहती है कि बादाम खाया करो, उससे मेमोरी यू नो ठीक आती है. तो उसके बाद मैंने इवेंचुअली 5-5 पेजेस की स्क्रिप्ट्स याद कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. उस वक्त उर्दू का भी मसला था, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये वर्ड का मतलब ही क्या है, और सेंटेंस में आप अगर उसका मतलब ही नहीं पता ना, तो उस फील से आप बोल ही नहीं पाओगे. बट द थिंग इज, दानिश के साथ किया था, फिर एक और टिमी जी आता था उस वक्त, उसमें एक कैरेक्टर किया था, गोरी का कैरेक्टर किया था. और फिर एक और छोटे छोटे से इस तरीके से एक और कैरेक्टर किया था, ज़्यादा टीवी का इतना नहीं किया, मगर मेन जो फुल फ्लेज ड्रामा किया था वो दानिश के साथ किया था. और उसके बाद दानिश ने भी सर पकड़ लिया होगा कि ये बंदी के साथ फिल्म दोबारा करनी है, ये तो यू नो स्क्रिप्ट्स में बहुत प्रॉब्लम करेगी. बट या, बट आई प्लान ऑन वर्किंग ड्रामा. ऐसा नहीं है कि मुझे ड्रामाज नहीं करना, बट मुझे ड्रामाज उस तरीके से ऑफ़र भी नहीं हो रही. मुझे सिलेक्टिव काम किया है मैंने आज तक, और सिलेक्टिव काम आगे करूँगी. वो कहते हैं ना कि मेरी फैमिली की सपोर्ट है, तो मैंने कभी भी पैसे को देखकर आगे काम नहीं कर रही, एंड आई वुड नेवर डू दैट. मुझे जो चीज़ नहीं अच्छी लगती या जो चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, आई वुडन्ट डू इट, मैं बैक ऑफ कर दूँगी. स्क्रिप्ट से भी उसी तरीके से, अच्छा प्रोजेक्ट होगा, अच्छा प्रोडक्शन हाउस होगा, कैरेक्टर समझ आएगी, तो आई वुड डेफिनेटली डू इट इंशाल्लाह. फैमिली आपकी पाकिस्तान में है या? मेरी फैमिली US बेस्ड है, देयर कश्मीरी पाकिस्तानी अमेरिकन्स. मैं यहाँ बाकायदा शिफ्ट हो चुकी हूँ परमानेंटली एक तरीके से. इवन तो मेरी फैमिली मुझे कहती है कि किसी वक्त कि यू नो लॉन्ग टर्म के लिए आप मीडिया में कब तक काम करोगे, आप फ्यूचर में से देखना चाहिए यू नो कि क्या है, मे बी प्लान ऑन कमिंग बैक एंड वहाँ स्टे. बट मुझे लगता है शायद पाकिस्तान में करूँगी, जो भी करूँगी, मीडिया में अब तक हूँ, जब तक मीडिया में हूँ आगे जाकर होपफुली मुझे पाकिस्तान के लोगों के लिए चैरिटी वर्क करना है. मुझे आगे जाकर लोगों की मदद करनी है. मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक गोल है, जैसे मदर टेरेसा लोगों के हेल्प आउट करती थी, मुझे मेरा फ्यूचर मैं ये करते हुए देख रही हूँ. और इंशाल्लाह ये चीज़ सारी मैं करूँगी, अपनी सारी ड्रीम्स और गोल्स पूरे करूँगी. इस वक्त जो हमारी टॉप हीरोइंस हैं, चाहे वो मेविश हयात हों, मायरा खान हों, उर्वा या दीगर जो भी लड़कियां हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे जो हमारे लाहौर के डायरेक्टर्स हैं, लाहौर से मुराद ये कि वो डायरेक्टर्स नहीं जो वल्गर फिल्में बना रहे हैं या दीगर जो मारधाड़ से भरपूर, उनमें सैयद नूर साहब हैं, उनमें शहजाद रफ़ीक साहब हैं, मैडम संगीता हैं, हसन अस्करी साहब, तो इनके साथ वो काम करने से उन्होंने अवॉइड किया. इन जी हाँ, ये और ये 100% मेरी मालूमात हैं ये. अच्छा, आपको फ़र्ज़ करें कि जी कुल्फी फिल्म के बाद ऑफ़र्स होती हैं, लाहौर से ऑफ़र्स होती हैं, हसन अस्करी साहब या सैयद नूर साहब अगर ऑफ़र करते हैं, तो आप इनके साथ काम करना पसंद करेंगे? मैंने एक्चुअली नूर साहब के साथ काम किया हुआ है, एक मैंने एल्बम की थी उनके साथ. एंड साइमा भाभी को मैं भाभी बोलती हूँ, शी इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट एंड वन ऑफ द प्रीटीस्ट लेडीज़. और इतनी दिल की वो अच्छी हैं कि वो लिटरली हाथों से, उन्होंने पराठा वो बना रही थी, गांव का वो सीन था, तो बनाकर उन्होंने बकायदा खिलाया था कि ये खाओ. तो आई वुड लव टू वर्क विद हिम. वो एक हमारे उस टाइम के, जब वो इतने बूढ़े तो नहीं है वो, आई मीन ही इज़ अ यंग यू नो ही इज़ अ यंग मैन. आई मीन यहाँ तो जब 30-40 हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं हम बूढ़े हो चुके हैं, बाहर के ज़माने में 60-70 भी हो जाते हैं ना, अपने आप को फिट रखे तो यू नो एज इज़ जस्ट अ नंबर, दैट्स व्हाट आई बिलीव. बट मैं उनके साथ बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी. वो एक अच्छा काम रिवाइव, आई एम श्योर कि वो इस अब 21st सेंचुरी में है, उनको भी पता है कि चीज़ें किस तरीके से रिवाइवल हो चुकी हैं, और उनकी मूवीज़ अब तक लोग जाकर क्यों नहीं देखेंगे. एंड आई वुड स्टिल वुड लव टू वर्क विद देम. क्यों नहीं काम करूँगी, बिल्कुल काम करूँगी. मुझे ये कोई मसला नहीं है कि वो कहते हैं कि पुराने ज़माने में ऐसे फिल्में बन रही थी, अगर अच्छी स्क्रिप्ट हैं और वो अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो बिल्कुल करूँगी. माजी में हमारे कई सुपरस्टार्स थे, अब गो के सुपरस्टार्स का ज़माना चला गया है. अब दो फिल्में अगर किसी की आती हैं तो उसके बाद वो सुपरस्टार नहीं रहता. आखिरी सुपरस्टार हमारे शान थे. इससे कबल जो वहीद मुराद साहब या शाहिद साहब या नदीम साहब, जिनका भी आपने जिक्र किया, आपको कोई ऐसा स्टार है पाकिस्तान का, आर्टिस्ट या फनकारा या फनकार,
कि जो बहुत पसंद हो? मुझे बिल्कुल ज़ेबा बख्तियार जी हैं, मैंने उनको बगैर मेकअप देखा हुआ है अभी तक, वो बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से, उनकी फ़ैन हूँ। शान जी की भी बिल्कुल फ़ैन हूँ, जितने भी नदीम साहब, शाहिद साहब, इनकी फ़िल्में मैंने तो नहीं देखी, मगर मुझे आइडिया है कि ये फ़िल्म के टाइम में इन लोगों ने फिल्म्स की थी। ये आई थिंक दे वर रियली गुड, एंड आई थिंक मैं उनके साथ काम भी करना चाहूँगी आगे भी। आई वुड लव टू वर्क विद शान जी, आई वुड लव टू वर्क विद एनी ऑफ द एक्टर्स। कुल्फी फिल्म लगने के बाद, और इंशाल्लाह अगर ये फिल्म सुपरहिट हो जाती है, तो उसके बाद का क्या प्लान है आपका? ये तो मैं खुद नहीं जानती। आई मीन वो डिपेंड करता है कुल्फी के बाद मेरी दूसरी फिल्म्स कैसे करती हैं, मगर मुझे ये पता है कि मैं जितना आगे, मतलब शायद डिफरेंट फिल्म्स की ऑफर्स हो। जी हाँ, ऑफर्स अगर आपको हो तो आप, मैं करूंगी, आप वो करेंगी, बिल्कुल करूंगी, चाहे वो लाहौर की फिल्म हो, हाँ, चाहे कराची की हो या इस्लामाबाद की हो। मैंने एक थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार एक मिडिल में फिल्म की है, इन कप्तान की डेट्स, कुल्फी की डेट्स मैनेज कर रही थी, एंड एट द सेम टाइम थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार मैंने कम्प्लीट कर ली थी, लाइक यू नो आई कम्प्लीटेड इट, और साथ में मैं डबिंग भी करती जा रही थी उसकी, डेट्स निकाल रही थी, कप्तान को दे रही हूँ वहाँ। तो मैं बिल्कुल करूँगी, मुझे फिल्म्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें डांसिंग, मुझे आई लव डांसिंग, मुझे भरतनाट्यम आता है, बचपन में कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैंने सीखा है, तो मुझे वो चीज़, आई थिंक आई वुड डू इट, मगर मुझे सिर्फ ये है कि मैं किसी वक्त लोगों को देखकर डरती हूँ, या लोग ये कहते हैं कि सईदा जब आगे आगे बढ़ते जाओगे तो एटीट्यूड आ जाएगा, मगर मैंने ये सीखा है अपने एटलीस्ट फैमिली से कि नो मैटर आप कितना भी ऊपर चले जाओ, कभी भी अकड़ नहीं आनी चाहिए, आप जैसे हो वैसे रहो। क्योंकि स्टार्ट में जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मुझे मेरे एक्स मैनेजर ने ये कहा था कि सईदा जब निकला करो तो स्टार की तरह निकला करो। नहीं, इंसान है, कल को आपका बुरा वक्त आएगा, लोग आपको ये नहीं पहचानेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लोग आपको आपकी इंसानियत से पहचानेंगे, तो ये चीज़ मैं, अल्लाह ताला मुझे उस वक्त में लाए जहाँ मैं अपने काम से पहचानी जाऊँ, और अल्लाह ताला मुझ में जो डाउन टू अर्थ वाली, हर किसी आर्टिस्ट में वो चीज़ होनी चाहिए, किसी में अकड़ नहीं आना चाहिए। और मैं ये चीज़ अपने यंगस्टर्स को भी बोलूँगी, या जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं उनको ये एडवाइस करूँगी कि नो मैटर आप कहीं भी पहुँच जाए, एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।